हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एलटी का भी आने वाला है, लेक्चरर का भी आने वाला है और आजकल बीओ के फॉर्म भी आ चुके हैं। तो आसानी से उनके लिए हम 20 ऐसे क्वेश्चन रटने वाले हैं, याद करेंगे कि जो किसी न किसी परीक्षा में हमारे लिए काम आने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका जो ऑप्शन है, खेड़ा, अहमदाबाद में, चंपारण में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया तो किया कहाँ? चंपारण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण। तो चंपारण में गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? दोस्तों, इसमें याद आपको रखना है कि भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय आएगा तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि लॉर्ड माउंटबेटन, या चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो भारतीय गवर्नर जनरल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। भारतीय, भारतीय यदि लगा हो तो इसका आंसर हो जाएगा कि चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या हर्षवर्धन? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो वो दी गई किसको? समुद्रगुप्त को दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न राष्ट्रपतियों में से किसका चयन निर्विरोध हुआ? अब ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि निर्विरोध किस राष्ट्रपति को चुना गया था, कौन भारत का जो राष्ट्रपति था जिसे कि जिसका चयन निर्विरोध हुआ था। तो उसके ऑप्शन है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, या डॉक्टर राधाकृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि जो जिसका चुनाव निर्विरोध हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डॉक्टर संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनको क्या किया गया था कि निर्विरोध चुना गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सहनामा किसकी कृति है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सहनामा किसकी कृति है। तो दोस्तों, फिरदौसी, अकबर, या नवाब पटौदी, या गजल खान। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सहनामा जो कृति है, तो वो किसकी है? फिरदौसी की है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, सहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उसमें जो घर बनाए जाते थे किसके बनाए जाते थे? ईंट के, लकड़ी के, पत्थर से, या बांस से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा कि जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे हमारे किससे? वो बनाए जाते थे हमारे ईंट से। बिल्कुल ये याद रखना होगा कि सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, कांग्रेस जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके संस्थापक पूछा गया दोस्तों। तो इसके आंसर हैं ए ओ ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या जनरल डायर। तो इसका जो राइट आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, तो वो दोस्तों हमारे कौन? ए ओ ह्यूम। ये क्या थे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, उसके क्या थे? संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार किसके समय में हुई? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पहली बार किसके समय में हुई थी? कि मैकाले, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी वो किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों हमारे लॉर्ड कैनिंग के समय में। विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड
कैनिंग के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। भौतिक शब्द का विलोम शब्द, ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा, परीक्षा में आने की संभावना इस विलोम शब्द से बनती है कि भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। सांसारिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक उपयोग में से कोई नहीं। तो भौतिक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या, आध्यात्मिक। क्या होता है दोस्तों, आध्यात्मिक होता है भौतिक शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, चंद्रवरदाय, पृथ्वीराज चौहान, जय नायक और जय नयन चंद्र सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय के, वो हो जाएगा आंसर सी, जय नायक क्या है इसके लेखक है पृथ्वीराज विजय के। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम बिल्कुल याद रखना होगा दोस्तों आपको, थोरियम। तो थोरियम केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो जो थोरियम के भंडार हैं भारत में वो हैं दोस्तों हमारा कहाँ, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार उपलब्ध हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना होगा कि थोरियम के भंडार सबसे ज़्यादा जो मौजूद हैं वो कहाँ हैं, केरल में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ, तो पलासी का युद्ध हुआ दोस्तों हमारा 1757 में। 1757 में क्या हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। तो ऑप्शन 1757 यानी कि ऑप्शन ए क्या इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कादंबरी की लेखक कौन है, यानी कि कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई, अश्वघोष, बाण भट्ट या चरक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई, तो कादंबरी जो पुस्तक है वो लिखी गई किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, कादंबरी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार केंद्र में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री के समतुल्य है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राज्य में, राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाय दाब मापने का पैमाना है, यानी कि वाय दाब किस से मापा जाता है, बोरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। तो आपको बिल्कुल याद होगा दोस्तों ये दो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वाय दाब का पैमाना क्या है, यानी कि वाय दाब किससे मापा जाता है। तो ये मापा जाता है दोस्तों हमारा किससे, बोरोमीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या है, बोरोमीटर, यानी कि वाय दाब जो है वो किससे मापा जाता है, बोरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोरोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। प्राथमिक शिक्षा यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा है कि भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, किस राज्य में अनिवार्य थी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बड़ौदा, अमकोट, कुर्ग, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, बड़ौदा। बड़ौदा ऐसा राज्य था कि जहाँ स्वतंत्रता से पहले क्या था कि प्राथमिक शिक्षा क्या थी, अनिवार्य थी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी किस राज्य में, बड़ौदा में। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, तो वो किस में थी, बड़ौदा। आंसर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दिल्ली की सुल्तान यानी कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या महमूद तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की बेटी कौन है, रजिया सुल्तान है, जो कि क्या थी, दिल्ली की सुल्तान थी। तो जो दिल्ली की सुल्तान थी रजिया सुल्तान, वो किसकी पुत्री थी, तो आपका आंसर क्या है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारा कि नाट्यशास्त्र की रचयिता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाट्यशास्त्र यानी कि जो नाट्यशास्त्र है उसके रचयिता कौन है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं कालिदास, भास, भरत मुनि या वेद व्यास। तो जो हमारा नाट्यशास्त्र है उसके रचयिता कौन है, भरत मुनि। कौन है दोस्तों, आंसर सी इसका बिल्कुल सही है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। आंसर सी इसका बहुत ही गुड आंसर है, बिल्कुल यही इसका आंसर है। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक या रचयिता कौन है, तो कौन है, भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, बिल्कुल जूम करके बड़ा बड़े अक्षर में आपको बता दूं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। सूर्य मंदिर किस में है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि चीनी यात्री फाइयान, जो चीनी यात्री है फाइयान, बिल्कुल आपको याद करवा देता हूँ यहाँ पे फाइयान, इसको थोड़ा हाईलाइट करवा देता हूँ, फाइयान कहाँ का है, चीनी यात्री है, किस गुप्त शासक के काल में। गुप्त शासक बिल्कुल आपको याद रखना होगा, गुप्त शासक के काल में भारत आया था, यानी कि जो चीनी यात्री फाइयान था किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है, जो चीनी यात्री फाइयान भारत आया था वो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या आया था, फाइयान भारत आया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है और ये बिल्कुल परीक्षा में इनकी आने की संभावना बनी रहती है दोस्तों, तो बिल्कुल ये आपको याद होने चाहिए और ये परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।